नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा कांत और मैं ये करना ही नहीं चाहता कि क्रिकेट को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाए, क्योंकि ये हमारा अपना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें व्यवसायीकरण घुसा पड़ा हुआ है, इसलिए ये मशहूर है। दूसरा, इसका कोई रीजन नहीं है कि इसको जो है राष्ट्रीय खेल बनाया जाए। भारतीय हॉकी जो है इससे 100 गुना हर मायने में बेटर है। आप सोचते होंगे किसी भी खेल में, देखिए खेल, हर खेल इंटरेस्टिंग होता है, हर खेल जो है मजेदार होता है, और उसको मजेदार आजकल के जमाने में मीडिया बनाती है और व्यवसायीकरण बनाता है। इसलिए लोग ध्यान देंगे जो रोज हमारे शाम सुबह जो है प्रचार में आएगा, जो हमें सामने दिखेगा। अगर हमारा छोटा बच्चा है उसको 1000 पिक्सल हॉकी की स्पीड कभी देखी नहीं है, कभी उसको जूम करके बॉल की स्पीडिंग दिखाई नहीं है हॉकी की, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। ये सब सारी चीजें आप क्रिकेट को तो मुहैया करा देते हैं, लेकिन कभी भी हॉकी में मुहैया नहीं करा पाते। कभी ध्यानचंद को लीजेंड वाला के केस नहीं किया जाता, उनको उनसे जो है कभी ऐसे चीजें नहीं कराई गई। तो किसी भी हॉकी को खिलाड़ी को इतना सम्मान नहीं दिया गया। वो अंत में आपको मैं बता दूं कि इतने सारे मेडल जिताने वाले ध्यानचंद बर्लिन के ओलंपिक में 19 फीट तोड़ के देखी गई थी, उनमें चुंबक को नहीं लगा हुआ। ऐसे महान आदमी को सचिन विराट कोहली आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन उसने एक मैं बात बता दूं, उसी की वजह से जो है खेलों में भारत रत्न देना शुरू हो गया, क्योंकि इतनी इज्जत उनके प्रति लोगों को बढ़ गई थी। और मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने लगातार भारत को जहाँ भी खेले अधिकतर मैचों में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम एक ऐसी टीम है पूरे दुनिया की ऐसी टीम है, हर खेलों को देख लीजिए कि लगातार 6 ओलंपिक वही टीम जीती है 1929 से लेकर 1956 तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट कितना मशहूर टीम है, क्योंकि हर 10-6 गेंदे फेंके जाने के बाद व्यवसायियों को फायदा होता है। कैटरीना का मलाइका उदा खान या कोई भी खूबसूरत अभिनेत्री चाय का प्रचार करने 3 बार आती है, हर 6 गेंद के बाद 3 प्रचार आते हैं। हॉकी में ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए हॉकी में लोग नहीं आते हैं, हॉकी को व्यवसाय बढ़ावा नहीं देते, टेनिस कोर्ट को खरीद के प्रसाद प्रसारित नहीं करता है कभी। तो सारी चीजें देखिए मजेदार हॉकी है, हॉकी में सब कुछ अच्छा है, बस सत्य बात यह है कि हमारी संस्थाओं को सरकार को ऐसी नीतियां बनाए कि उनको भी सम्मान मिले, उनको भी बढ़ावा दिया जाए। नेपाल की राष्ट्रीय खेल है गिल्ली डंडा, तो बहुत आपके लिए कुछ हो सकता है, उसका आप मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो अपनी धरोहर को मेंटेन किए हुए हैं, उसके अंदर एक बार भी बात नहीं आती क्रिकेट को हम अपना बना लें। हमारे अंदर ये बात कहाँ से आती है? मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा जो मैं खत्म करने से पहले बस आप लोगों के सामने कि कुछ इस तरह का मेरी बातें हैं, थोड़ा गड़बड़ लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है कि सांप के रखो अपनी धरोहर को और बचा लो अपने काम को, जो गर्दिश में चले गए सितारे क्या बदल लेते हो बाप को। आप गरीब हो जाता है तो बाप तो कोई नहीं बदलता, माँ तो नहीं बदलता, फिर हम अपने राष्ट्रीय खेल को बदले। आज राष्ट्रीय खेल बदल रहे हैं, कल राष्ट्रीय गान में अगर वी प्लेस द नेशनल एंथम कैसे कोई ऐसा हमें गाना मिल जाए अंग्रेजी में तो हम बना लेंगे, ये करता ही नहीं होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबकी बारी जी। हाँ,